आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वर्क या कार्य। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। क्या जानना ज़रूरी है इसके बारे में? इसके बारे में एक तो हमें पता होना चाहिए कि इसको हम परिभाषित कैसे किया जाता है फिजिक्स में। परिभाषा इसका व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन जो होता है, समीकरण इक्वेशन, मात्रक और इससे संबंधित जो गणितीय प्रश्न आते हैं गणितीय प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल्स। ये हमको पता होना चाहिए तो इससे कोई भी प्रश्न आएगा बन जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें, चलिए परिभाषा की, तो फिजिक्स या भौतिकी में परिभाषित किया जाता है, मान लीजिए एक वस्तु है, पहले इसको समझ लेते हैं, इस पर कोई एक बल F कार्य कर रहा है। बल लगाने के बाद ये वस्तु यहाँ से यहाँ चली जाती है। मान लीजिए पहले A प्लेस पे थी फिर B प्लेस पे चली गई, तो ये कहा जाता है कि वस्तु जो के ऊपर F नामक बल लगाने से उसके स्थिति में परिवर्तन हुआ है, विस्थापन हुआ है, तो कार्य किया गया है। यानी अगर हम लिखना चाहें तो जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित किया जाता है तो कार्य होता है, तो कार्य होता है। और मैथमेटिक्स में इसको लिखते हैं, डिनोट करते हैं वर्क इज इक्वल टू एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। एफ क्या है? बल, बल गुणे विस्थापन को कार्य कहते हैं। ये उसका व्यंजक हो गया। अब न्यूमेरिकल सिंपल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए कि एक 5 न्यूटन का बल लगाया गया किसी वस्तु पर और उसके परिणाम स्वरूप वो 10 मीटर का विस्थापन होता है, यानी 10 मीटर वो वस्तु खसक के दूर चली जाती है, तो वर्क कितना हो जाएगा? 5 × 10, 50 जूल। ध्यान रखना इसका मात्रक जो होता है वो होता है जूल। इसका मात्रक क्या है? जूल। इसको जे से डिनोट किया जाता है। और इसका एक मात्रक एमके सिस्टम में न्यूटन मीटर भी होता है, न्यूटन मीटर। अगर एक जूल कार्य को परिभाषित करना है तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। मान लीजिए कहीं पूछा गया एक जूल कार्य को परिभाषित करिए, एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए, फॉर्मूला हमारा वही है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब मान लीजिए 1 न्यूटन का बल लगाया जाए कहीं पे और उससे 1 मीटर का विस्थापन हो जाए, तो कार्य कितना होगा? 1 जूल। तो यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने से उसमें 1 मीटर का विस्थापन होता है तो उसे कहा जाएगा कि 1 जूल का कार्य संपन्न हुआ है। इस तरह से हम लोग 1 जूल कार्य को परिभाषित कर सकते हैं और इसीलिए यहीं से न्यूटन मीटर इसका मात्रक भी डेराइव हो जाता है। ठीक, जूल जो है एसआई सिस्टम यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनली में मात्रक है कार्य का। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक अर्ग होता है।
कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, एक अर्ग को परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे, एक अर्ग इज इक्वल टू, अब यहाँ न्यूटन की जगह हमको लेना पड़ेगा 1 न्यूटन इंटू मीटर की जगह सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि इसका मात्रक अर्ग होता है, अर्ग सामान्यतः पूछा नहीं जाता है। एक जूल का जो वैल्यू होता है ये ज़रूर आप याद रखें कि ए 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग की, ये एक कभी कभी हो सकता है पूछा जाए, ये एक स्थिति है। अब मान लीजिए कि एक वस्तु यहाँ रखी है और इस पे एफ फोर्स लगाया जाता है और वस्तु में विस्थापन यहाँ पे 10 मीटर का हो गया, या इसको हम डी मान लेते हैं, डी विस्थापन होता है। इस कंडीशन में वर्क को निकालने के लिए एक अलग व्यंजक प्राप्त किया जाता है जिसको हम समझ सकते हैं। देखिए, पहले तो मूल व्यंजक हमारा क्या है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ध्यान ये रखना है कि बल के अनुदिश विस्थापन। अब बल चूंकि इस तरफ लग रहा है और इनके बीच का जो ये एंगल है ये थीटा है, तो यहाँ पे हमें बल एफ का एक क्षैतिज घटक निकालना होगा। क्या बोलेंगे, क्षैतिज घटक। अब अगर मान लीजिए कि ये एस है, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि बल जो है इधर लग रहा है और वस्तु का विस्थापन भले इधर हो रहा है तो इसके क्षैतिज घटक के द्वारा ही विस्थापन हो रहा है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हमें निकालना होगा कॉस थीटा। त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला होता है, आधार, ये आप सब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ये आधार होता है, ये कर्ण होता है और ये लंब होता है, बेस, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर। आधार अपॉन कर्ण, यानी इसको हम कह सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। हम क्षैतिज घटक ज्ञात कर रहे हैं किसका, बल का। उसके लिए पहले कॉस थीटा को निकालेंगे। अब चूंकि थीटा यहाँ है तो आधार हमारा क्या है, एस, कर्ण क्या है, एफ, ये हमारा हो गया कॉस थीटा। अब हमें ये वाला पार्ट चाहिए क्योंकि हमें क्षैतिज घटक ढूंढना था बल की, ये विस्थापन के अनुदिश। तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एस, ये मिल गया, यानी कि इसका जो मान आया वो क्या आया, एफ कॉस थीटा आया यहाँ से। अब हम इसको यहाँ इस फॉर्मूले में रख देते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू बल की जगह क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा। अगर ये अभी ऐसे है, विस्थापन डी था, तो एफ की जगह एफ कॉस थीटा इंटू डी। अब इसको हम लोग अलाइन कर सकते हैं, एफ इन एफ डी कॉस थीटा, ये हो गया वर्क का फॉर्मूला। यानी जब थीटा दिया गया हो तो थीटा क्या है, बल एवं विस्थापन के मध्य का कोण, तो इस फॉर्मूले के माध्यम से किए गए कार्य की गणना की जाएगी। मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू दे दिया गया है 90 डिग्री, तो काम क्या हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो एफ इंटू डी, और अगर ये कॉस 90 हो गया तो काम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में आप 0 को गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, अब अगर देखना चाहें कि कब काम होगा धनात्मक प्रकार की, अगर हम लोग बात करें, इससे भी प्रश्न आते हैं, तो कार्य जो हो सकता है वो 3 प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव यानी ऋणात्मक, और 0 यानी कि शून्य कार्य।
फॉर्मूले से देखें तो F इंटू डी कॉस थीटा इज इक्वल टू वर्क, अगर थीटा की वैल्यू 0 और 190 डिग्री के बीच है, ध्यान रखिएगा थीटा इज इक्वल टू 0 टू 90 डिग्री, तो कार्य धनात्मक होगा, कार्य पॉजिटिव होगा, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 के बीच कम होना चाहिए। अगर थीटा की वैल्यू मान लीजिए 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 270 से कम, तो निगेटिव होगा कार्य, तो कार्य निगेटिव होगा। और ये थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री हो या दो सौ सत्तर डिग्री हो तो कार्य ज़ीरो हो जाएगा, तो कार्य शून्य होगा। 180 पे भी कार्य जो होगा शून्य होगा, क्योंकि अगर कार्य ज़ीरो मान लीजिए सिर्फ किया जाए तो ये शून्य हो, सॉरी केवल दो को याद रखना है, 90 डिग्री या 270 हो तो कार्य शून्य होगा, 90 से ज़्यादा लेकिन 270 से कम हो तो नेगेटिव होगा, और 0 और 90 के बीच हो तो कार्य हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से बताया जा सकता है कि कब कार्य जो होगा नेगेटिव है, कब पॉजिटिव है, और कब जो है वो ज़ीरो है। तो बस इतनी ही चीज़ें याद रखनी, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आजकल पूछे जाने लगे हैं। न्यूमेरिकल में सीधा सीधा आपको दिया जाता है, आपको या तो डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाएगा यानी विस्थापन दे दिया जाएगा, बल दे दिया जाएगा और थीटा की वैल्यू दे दी जाएगी, तो आपको कार्य निकालना आसान रहता है। या हो सकता हो कार्य दे दिया जाए, थीटा दे दिया जाए, बल दे दिया जाए, पूछा जाए कितना विस्थापित होगा, तो भी निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले का प्रयोग करके। तो इसको करके देखिए। इसी से संबंधित एक नया टॉपिक, अगला टॉपिक होगा जो हमारा, वो होगा कार्य ऊर्जा में संबंध, यानी कि कार्य ऊर्जा प्रमेय, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए इसमें इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।